तो मैंने ये भी सुना था कि जब उनको गोली लगी थी तो आपने ये चेक भी किया था कि वह हयात है या नहीं, इस बारे में थोड़ा प्लीज बताइएगा। नादरा जी, अल्लाह उनको जन्नतों में घर दे। बड़ी आमीन। प्यारी और बड़ी हसीन, मैंने इतनी हसीन औरत देखी नहीं थी अपनी लाइफ में, जो सच्ची बात है। और हसीन के अलावा वो आर्टिस्ट भी बहुत अच्छी थी और इंसान बहुत अच्छी थी। आप यकीन करें कि उसके मरने के बाद बहुत सारे लोगों के चूल्हे बंद हो गए। उस औरत ने टेक्नीशियन करीब लोगों को मंथली लगाई हुई थी और किसी को भी इस बात का नहीं पता था, ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि बड़ी अच्छी खातून थी और मेरी तो वो समझें कि बचपन की दोस्त भी थी और बड़ा आना जाना था, मोहब्बत थी हम दोनों में। अब शायद दुखी हो गई हैं उनको सोच बस के। ऐसे ही है कि हम लोग बब्बू बरार और मैं साहिबा रैम्बो हम लोग तमासील में प्ले कर रहे थे। तो जैसे ही मतलब वहाँ से गुज़र हुआ सर्विस हॉस्पिटल के आगे से, तो मैंने ऐसे ही देखा कि वहाँ पे बहुत सारी लाइट्स हो रही हैं और हमारे अखबारी रिपोर्टर्स वगैरह वहाँ पे खड़े हैं। तो मैंने जाके देखा कि मैंने पूछा कि ये क्या है, पुलिस ही पुलिस थी सर्विस हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा आपको नहीं पता नादरा को गोली लग गई है। मैंने कहा क्या गोली लग गई है। खैर मैं ना सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ी और चढ़ के तो मैंने, जब डॉक्टर ने मेरे मेरे से पूछा आप उनकी क्या लगती हैं, आप उनकी सिस्टर हैं, क्योंकि हमारी काफ़ी शक्लें भी मिलती जुलती थी। तो मैंने एक सेकंड के लिए सोचा कि नहीं ये मर्डर केस है, मैं क्या कहूँ इसको। तो मैंने कहा नहीं, मेरी वो दोस्त थी बहनों से भी ज़्यादा जी, कि उसने मुझे कहा आप इस तरफ आएँ। तो एक तरफ लेके गया तो एक छोटे से रूम में स्ट्रेचर पे ना तो वो पड़ी हुई और बस मुझसे तो देखे ही नहीं गया। और मैंने एकदम से उसे छुआ जब, तो आप बिलीव करें कि वाकई वो गर्म थी, बिल्कुल ऐसे जैसे अभी मैं ठंडी हो गई हुई हूँ, लेकिन वो उस वक़्त गर्म थी। तो मैंने एकदम चीख के कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये अभी ज़िंदा है। तो उसने कहा नहीं डेथ हो गई है, तो यहाँ कहीं लगी हुई थी गोली, मैं तो सही तरह से देख भी नहीं पाई। वही स्माइलिंग फेस और रेड सूट पहना हुआ, खुले बाल, लंबे बाल, गोल्डन, क्या आला शख्सियत थी वो। जी बस मैं खुद भी थोड़ा दुखी हो गया हूँ। जाहिर है बहुत बड़े दुख की बात है। जी देखें उसको किसी ने मार दिया और आज तक वो शायद वो ज़िंदा है। कोई नहीं, ये मकाफ़ाते अमल है, जो किसी के साथ करता है उसके साथ भी जी फिर हो बिल्कुल, ही जाता बेशक है इस दुनिया बेशक। में।